प्राचीन काल से ही रुद्राक्ष भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। अधिकतर लोग इसे भगवान शंकर के प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो कई इसे औषधीय गुणों से भरपूर बताते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि मांग होने के बाद भी हमारे यहाँ इसकी खेती नाम मात्र ही होती है। शायद भारतीय किसानों ने मुख्य फसलों को छोड़कर इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। उत्तराखंड के रहने वाले किसान संतोष ज्येष्ठ रुद्राक्ष की खेती करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इस काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे वह इस खेती में इतना ज़्यादा मुनाफा कमाने में सफल रहे हैं। मौजूदा समय में संतोष एयर लेयरिंग विधि के सहारे इसकी खेती कर रहे हैं। इस विधि को क्लोनर भी कहा जाता है। इसके तहत पौधे जब 4 साल तक के हो जाते हैं तो उनकी शाखाओं पर पेपिन से रिंग काटने के बाद मॉस लगा दी जाती है। इसके बाद उन्हें लगभग 250 माइक्रोन की पॉलीथीन में ढक दिया जाता है। इस तरह करीब 45 दिन में पौधों की जड़ें निकल जाती हैं, जिसे काट कर नए बैग में लगा सकते हैं। 20 दिन में ही इन पौधों को रोपा भी जा सकता है। भारत में भारी मांग लेकिन उत्पादन नहीं। रुद्राक्ष की खेती को लेकर जिस प्रकार की लोकप्रियता नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में है, वैसी भारत में देखने को नहीं मिलती। हालांकि हमारे यहाँ भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इसकी खेती आसानी से हो सकती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत रुद्राक्ष का सबसे बड़ा खरीददार है और इसमें अच्छा मुनाफा भी है। 200 फीट तक हो सकता है रुद्राक्ष का पेड़। रुद्राक्ष का वृक्ष भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। हालांकि मैदानी इलाकों में भी इसे उगा सकते हैं। 200 फीट तक होने वाले इस वृक्ष में कई विशेष बातें होती हैं। सफ़ेद रंग के फूलों के अंदर ही गोल आकार का रुद्राक्ष होता है। संतोष के मुताबिक इसकी खेती के लिए संयम की ज़रूरत है, बाकी मांग तो है ही। आपको बस मार्केट तक अपनी पहुंच बनाने की ज़रूरत है। तो TRIPLE.COM ये मानता है कि हमारे देश के किसानों को कुछ ऐसी खेती विधियों और कुछ ऐसी फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए जिसकी मांग तो बहुत है लेकिन भारत उसकी पैदावार करने में बहुत पीछे है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहें TRIPLE.COM पर। धन्यवाद।